नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक पूजा में होने वाली गलतियों से रिलेटेड है। अगर आपको भी पूजा को अपनी सही रखना है, सुख समृद्धि पानी है, भगवान का पूर्ण साथ चाहिए है, तो कुछ मैं आपको ऐसे आज के इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट बताने जा रहा हूं जिनको अपना कर आसानी से आप अपनी पूजा पाठ की गुणता को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, रिद्धि सिद्धि पा सकते हैं। जो भी मेरे दोस्त भाई बहन साधक इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी के लिए इस वीडियो को सुनिए और जीवन में उतारिएगा। जिंदगी में सुकून और शांति बनाए रखने के लिए हम रोजाना ईश्वर की आराधना करते हैं और अपने दिल की शुरुआत ही हम भगवान की पूजा के साथ करते हैं, लेकिन पूजा के समय कुछ गलतियां करने से हमें बचना चाहिए। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारी पूजा में दोष उत्पन्न होता है, साथ ही हमारी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। सबसे पहला, हर दिन करें अपने मंदिर को साफ। पूजा में साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। नियमित रूप से पूजा करने से पहले आपको सबसे पहले देव स्थान को साफ करना चाहिए। इसके लिए आपको ख्याल रखना है कि सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में भगवान को किसी स्वच्छ स्थान पर रखकर पूरे मंदिर को साफ पानी से साफ करें, पुराने फूलों को हटाएं, उसके बाद अपने भगवान को स्नान कराकर अपने स्थान पर पुनः रखें और नए फूलों से अपने मंदिर को सजाएं। नंबर दो, आसन पर बैठकर ही करें पूजा। रोजाना इस बात का ख्याल रखें कि आपको पूजा आसन पर ही बैठकर करनी है, बिना आसन के पूजा शुरू न करें। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि बिना आसन और खड़े रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा आसन दिव्यता को प्रदान करता है। नंबर तीन, पूजा करते वक्त मंत्रों का करें जाप। जब आप पूजा करते हैं तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि पूजा में आप मंत्रों का जाप जरूर करें। कहा जाता है कि मंत्रों का नियमित जाप करने से मंत्र सिद्ध होने लग जाते हैं, जिसके लाभ भी मिलते हैं। लेकिन इसके साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही हो। यदि आप सही उच्चारण करते हैं तभी मंत्रों को पढ़ें, अन्यथा नहीं। नंबर चार, पूजा के बाद आसन को भी जरूर उठाएं। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि आपको पूजा के बाद अपने आसन को उठाना चाहिए, क्योंकि कई लोग पूजा तो कर लेते हैं लेकिन आसन को वहीं छोड़कर उठ जाते हैं। ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से दोष लगता है। साथ ही पूजा के बाद आपको आसन पर फूल और कुमकुम चढ़ाकर और जल छिड़क कर ही उठना चाहिए, तभी आपकी पूजा का फल आपको मिलता है। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। ये पांचवा मेरा विषय है। ये भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को अर्पित की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक बिना स्नान किए हुए तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, अन्यथा उसे देवता स्वीकार नहीं करते हैं, साथ ही इससे ग्रह दोष भी लगता है। नंबर छह, देवी देवताओं के सामने दीपक जलाकर पूजा करना सर्वमान्य विधि है। यदि दीपक अपने आप बुझ जाए तो भगवान से क्षमा मांगते हुए उसे फिर से प्रज्वलित कर ले, लेकिन भूल से भी देवताओं के सामने प्रज्वलित दीपक को नहीं बुझाना चाहिए, इससे भाग का रास्ता बंद हो जाता है। नंबर सात, शालिग्राम को भगवान विष्णु का दूसरा घर माना गया है।
इस पर केवल केसर, रोली या कुमकुम से रंगे हुए चावल ही चढ़ाए जाने चाहिए। शालिग्राम पर गलती से भी अक्षत यानी सफेद अरवा चावल नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। नंबर 8, यदि आप पूजा में एक से अधिक दीपक जला रहे हैं तो कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए, यह बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं इससे व्यक्ति दरिद्र और रोगी हो जाता है। नंबर 9, यदि आप पूजा से पहले भगवान की प्रतिमा, विग्रह या मूर्ति को स्नान कराते हैं तो यह अवश्य ध्यान रखें कि कभी भी देवताओं की मूर्तियों को स्नान कराते समय उसे अंगूठे से नहीं रगड़ना चाहिए। नंबर 10, आप देखेंगे बहुत से लोग पूजा करने वाले आसन पर जिस पर बैठते हैं उसको पैरों से इधर उधर खिसका लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। आसन को पैरों से नहीं बल्कि हाथों से खिसकाया जाना चाहिए। नंबर 11, इस वीडियो का लास्ट, यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके वस्त्र गंदे या पहने हुए ना हो, हमेशा धुले हुए वस्त्रों में ही पूजा करनी चाहिए। यदि पूजा के दौरान शौच कर्म करना पड़े तो पहले वस्त्र को उतार कर रख दे, शौच कर्म कर लें, फिर स्नान या आत्म शुद्धि के बाद उस कपड़े को धारण कर पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे 11 बातें मैंने आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई हैं। अगर ये बातें आपको पसंद आती हैं तो प्लीज इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ऐसी वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। आप सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलमुखी।